सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना को दी मंजूरी। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार, का सरकार कोई भी हो हथकंडा अपना ले हरा नहीं पाएंगे। स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर बोला हमला, टीएमसी नेताओं के घर से लूट के पैसे की बरामदगी पर ममता बनर्जी ने दिया जवाब। देश की सुरक्षा में बड़ी सेंध, जबलपुर के खमरिया में स्थित आयुध निर्माण में बमों के उपकरण चोरी होने पर बड़ा खुलासा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी चुरा रहे थे बमों को, बमों का उपकरण गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। चालसाज पुलिसकर्मी के आतंकी कनेक्शन की जांच, एसआई के कुलगाम और जम्मू की हो रही छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ईडी की पुलिस को बड़ी कार्यवाही, 10 राज्यों में छापा, 100 से अधिक सदस्य हुए गिरफ्तार। यूपी एमपी में ऑरेंज अलर्ट, 25 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर को दो टूक में कहा भारत और चीन दोनों के हित में है एक दूसरे को समायोजित करना। कर्नाटक विधानसभा में मंत्रण विरोधी बिल पारित, धर्म परिवर्तन पर कैद की सजा के साथ जुर्माने का हुआ प्रावधान। सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मिलेगी 50% वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर लगी कैबिनेट की मुहर। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी बनी सरकारी गवाह, बढ़ सकती है टीएमसी के बड़े नेताओं की मुश्किलें। अमित शाह के आने से पहले बिहार के कई जिलों में एनआईए और ईडी की छापेमारी, पीएफआई एसबीटीआई मामले की हो रही है जांच। आप सरकार अगले सप्ताह बुला सकती है पंजाब विधानसभा सत्र, राज्यपाल के कदम के बाद आप विधायकों की बैठक। सोनीपत में डेंगू का कहर, लगातार दूसरे दिन के इसके 3 मरीजों की पुष्टि। हमले की योजना बना रहे लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी, सोपोर से गिरफ्तार, जिनके पास हथियार भी हुए बरामद। टेरर फंडिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में पीएफआई के दफ्तरों में छापामारी, लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष वसीम हुए गिरफ्तार। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा, पार्टी के साथ अनुसूचित जाति का 50% वोट। गोरखपुर डीएम की बड़ी कार्यवाही, 70 अधिकारियों के कर्मचारियों का वेतन रोका, 19 कर्मचारियों को दी चेतावनी। विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य बोले शिक्षण संस्थानों की धांधली के चलते बंद किए गए मुफ्त दाखिले।
बाराबंकी में भी एसटीएफ की छापेमारी, पीएफआई का सदस्य नदीम हुआ गिरफ्तार। अलीगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बैंक की छत, बारिश के चलते गिरी बैंक की छत, बड़ा हादसा टला। औरैया में खंड विकास अधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं, किसान यूनियन भानू के प्रदेश महासचिव ने सौंपा ज्ञापन। अयोध्या में गोसाईगंज के विधायक का शिकायती पत्र हुआ वायरल, विधायक ने डीजीपी को लिखा था शिकायती पत्र। फरीदाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने सास बहू को बनाया बंधक, लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज के निर्माणाधीन छज्जा गिरा, हादसे में मलबे के अंदर दब गए दो मजदूर, एक को बाहर निकाला, दूसरे की हुई मौत। महाराजगंज में हॉस्पिटल संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्रज ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है रावण की शोभा यात्रा, रावण के स्वागत में उमड़ पड़ता है जनसैलाब। बुलंदशहर में टिकट गुट ने शुरू किया प्रदर्शन, किसानों की मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। अलीगढ़ में बरसात से बिगड़े शहर के हालात, नगर आयुक्त ने लिया शहर का जायजा, मतहतों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। औरैया में बारिश की वजह से स्कूलों में भरा पानी, बच्चों की पढ़ाई करने में हो रही है परेशानी, इलाके के कई घरों में भी भरा पानी। गाजीपुर में जिले में डीएम की अनोखी पहल, कलेक्ट्रेट में बनेगा शिकायतें निस्तारण सेल। गाजियाबाद में रास्ते पर कुछ लोगों में हुआ घमासान, गाड़ी पर टक्कर मारने को लेकर हुआ विवाद। हरदोई में किराए के शिक्षक से स्कूल में हो रही पढ़ाई, बच्चों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़, डीएम ने दिए प्रधानाचार्य पर कार्रवाई के निर्देश। प्रतापगढ़ में डीएपी घोटाले में फरार प्रबंधक को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को फरुखाबाद से किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में टीन शेड में चल रहा प्राथमिक विद्यालय, 5 साल बाद भी नहीं हुआ स्कूल का निर्माण। औरैया में फायर स्टेशन दीवार हुई ध्वस्त, जलमग्न हुआ पूरा फायर स्टेशन। गाजियाबाद में पीएफआई एजेंट के घर एटीएस का धावा, महिलाओं की आड़ लेकर पीएफआई एजेंट फरार। हरदोई में जोरों पर चल रहा है काला कारोबार, युवाओं को गलत राह पर धकेल रहे हैं काले कारोबारी। अमेठी संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवक गंभीर रूप से पड़ा बीमार, परिजनों ने इलाज के लिए भेजा सीएचसी। औरैया में आफत की बारिश के बाद डीएम ने दिया आदेश, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालय 2 दिन तक रहेंगे बंद।
अपंजीकृत अभियान नर्सिंग होम के खिलाफ चला चेकिंग अभियान। जिला प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। न्यू यशोदा हॉस्पिटल पर हुई छापेमारी। चंदौली में धीना पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। 50 लाख कीमत की हीरोइन बरामद। 515 ग्राम हीरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। गोंडा में पीड़ित परिवार से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा से नेता सूरज सिंह के साथ अखिलेश देवा के परिवार वालों से मिले। पूर्व सीएम ने परिवार को 2 लाख की दी आर्थिक सहायता। कानपुर में मामूली विवाद में हुई फायरिंग। देशी तमंचे के साथ युवक मारी गोली। पड़ोसी युवक ने मारी गोली। गोली मारने के बाद आरोपी हुआ फरार। कानपुर में युवक की बेरहमी से हुई हत्या। सरमाइता का निवासी बताया जा रहा है मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। बाल बाल बचे तीर्थयात्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में निर्माण कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया निरीक्षण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नवरात्र में घोषित होगी भाजपा की प्रदेश टीम। गांव में केंद्रित होगी संगठन। देहरादून में हापुड़ के चोर गिरोह का पर्दाफाश। आरोपित में एक इंजीनियर, दो शातिर बदमाश पर एक इनाम घोषित। पुराना अस्पताल परिसर की इच्छा में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम। जेसीबी के आगे बैठे पूर्व विधायक। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश। गंगोत्री हाईवे पर 2000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड में 39 और लोगों में डेंगू की पुष्टि। महकमों की दावे पर भारी पड़ रहा है मच्छर। दिव्यांग बच्चों के साथ मारपीट और उत्पीड़न पर उत्तराखंड हाईकोर्ट गंभीर। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने नैनीताल का फैसला। जूनियर हाई स्कूल के करीब 1000 शिक्षकों के वेतन से वसूली पर फिलहाल लगी रोक। तीन गुना रॉयल्टी होने के कारण कुमाऊं की लाइफलाइन युगोला के खनन कारोबार पर छाया संकट। सार में डेयरी और सहकारिता के दो अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। आय से अधिक संपत्ति का मामला। देहरादून में खेले जाएंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के 6 मुकाबले। 2 मैच खेलेगी इंडिया के लीजेंड्स। देहरादून में पिछले साल 35,000 लोगों ने नहीं भरा हाउस टैक्स। अब देना होगा पाई पाई का हिसाब। उत्तराखंड में केदारनाथ के गर्भगृह में अब प्रवेश नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर समिति ने लगाई रोक। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल को मिला हाईटेक एम्बुलेंस। मरीजों को होगी सहूलियत। प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान कर रहे इमरान खान। नवाज शरीफ को लिया आड़े हाथ। कहा उनको बताया भ्रष्ट।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बच्चों पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों को दक्षिण अफ्रीका एनजीओ की मदद, पीड़ितों को मिल रहा आपात रोधी घर। रूस पर नए प्रतिबंध के लिए तैयार हुआ यूरोपीय संघ, यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी करने पर भी जताई सहमति। कंबोडियाई साइबर क्राइम रैकेट के जाल में फंसे कई लोगों को मलेशिया ने 15 पीड़ितों को बचाया। जेलेंस्की का बड़ा बयान, युद्ध खत्म करने को लेकर गंभीर नहीं, पुतिन नुकसान की करे भरपाई। अमेरिका ने भारत के लिए यूएनएसएससी में स्थायी सीट को लेकर समर्थन दोहराया, कहा सुरक्षा परिषद को विश्वसनीय बनाए रखने की जरूरी। अंडरवाटर ड्रोन का बेड़ा बना रहा है चीन, सैटेलाइट इमेज में पकड़ी गई चीन की नई कारगुजारी। चीन में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी, 2035 तक 40 करोड़ हो जाएगी इनकी जनसंख्या। चीन में भयानक सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर बस के पलटने से 27 लोगों की मौत। रिकॉर्ड से निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपया 51 पैसे कमजोर होकर 80.47 पर पहुंचा। अमेरिका केंद्रीय बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के ये असर। सस्ती हो सकती है मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, नए टेलीकॉम रूल के कंपनियों को फीस और पेनाल्टी पर मिलेगी छूट। मारुति की 3 कारों ने इंडिया में मचाया धमाल, फेस्टिव सीजन में खरीदने के लिए जबरदस्त ऑप्शन। एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन गिरफ्तार, ऋषि अग्रवाल पर 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप, सीबीआई ने 1.5 साल की जांच के बाद दर्ज की थी एफआईआर। वोल्वो XC40 का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च, एसयूवी की शुरुआती कीमत 43.20 लाख, बीएमडब्ल्यू X1 मर्सिडीज बेंच GLA और RDQ3 को देगी टक्कर। DGCA ने स्पाइस जेट पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया, कंपनी के 50% विमान 29 अक्टूबर तक नहीं भरेंगे उड़ान, लगातार हादसों के बाद लिया गया था एक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक्डइन हुआ ठप, हजारों यूजर्स को ही परेशानी, कंपनी ने रिस्टोर कर सर्विस। क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट को मिली मंजूरी, शुरुआत में दिन बैंकों के ग्राहक उठा सकेंगे लाभ। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा, अमित शाह और निर्मला सीतारमण भी हैं सदस्य, कोरोना महामारी के दौरान बनाया गया था पीएम केयर फंड। सोलर पीवी मॉड्यूल के जरिए दूसरी पीएलआई स्कीम को मंजूरी, इसमें 500 मेगावाट और पारंपरिक ऊर्जा जनरेट करने के लक्ष्य में आएगी तेजी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले उमेश यादव को खेले पर सुनील गावस्कर ने उठाए सवाल, कहा टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार से जागी टीम इंडिया, कोच द्रविड़ ने वर्ल्ड कप से पहले रखी बीसीसीआई के सामने खास मांग।
दूसरे T20 के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया, सीरीज में वापसी के लिए जीत जरूरी। कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में रखा भोजन देने की घटना को शिखर धवन ने बताया शर्मनाक, ट्वीट कर दी कार्रवाई करने की मांग। लॉर्ड्सर वनडे को लेकर हरमन ने कही खास बात, आखिरी बार मैदान में उतरेगी झूलन क्योंकि ये झूलन का रिटायरमेंट मैच है। T20 WBC 2022 से पहले भुवनेश्वर के अंतिम ओवरों में गेंदबाजी चिंता का विषय, सुनील गावस्कर ने दिया ये बयान। वुमेन टीम 23 साल बाद इंग्लैंड के वनडे सीरीज जीती, अंग्रेजों को 88 रन से हराया, कप्तान हरमनप्रीत के 111 बॉल पर बनाए 143 रन। सूर्य कुमार यादव ICC रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंचे, हार्दिक पांड्या T20 में 5वें नंबर पर, खराब प्रदर्शन करे भुवनेश्वर को 2 स्थान का नुकसान। विमेंस एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कप्तान, स्मृति को डिप्टी बनाया, रोडिक्स की चोट से हुई वापसी। भारत के हार पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कसा तंज, कहा कुछ खिलाड़ी बहुत मोटे हो गए हैं। पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव, नमाखों से फैंस और परिवार ने दी विदाई। सनी देओल के तेवर ने जीता ऑडियंस का दिल, चुपके को बताया ब्रह्मा से बड़ी ब्लॉकबस्टर। कोडनेम तिरंगा का टीजर हुआ रिलीज, सप्लाई के रोल में नजर आएंगे परिणीति चोपड़ा, 14 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। बेटे आर्यन की गिरफ्तारी पर गौरी खान ने तोड़ी चुप्पी, बोली हम जिस दौर से गुजरे उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। करीना कपूर खान ने मनाए 42वां बर्थडे, ब्लैक ड्रेस में पहुंचे मलाइका अरोड़ा, पार्टी में दिखा ग्लैमरस लुक। विजय देवरकोंडा का BTS वीडियो स्टंट करते दिखे एक्टर, लाइगर की असफलता के बाद वीडियो शेयर कर लिखा गलतियों से सीखो। राजू श्रीवास्तव के निधन से कपिल शर्मा की आंखें हुई नम, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट। झांसी की रानी उल्का गुप्ता बनी राजस्थानी बंजारन एक्ट्रेस, के लुक को फायर बता रहे फैंस। स्वरा भास्कर ने किया प्रोड्यूसर करण जौहर का बचाव, बोले हत्यारे नहीं है करण। राजू की बेटी अंतरा को मिल चुका है ब्रेवरी अवार्ड, 12 साल की उम्र में बचाई थी मां की जान, फिल्म इंडस्ट्री से भी है गहरा नाता। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।